हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो है फिर से कैलकुलेशन का एक फिर से एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि तीन अंकों का जो मल्टीप्लाई जो है कैसे किया जाता है फास्ट से फास्ट। क्योंकि दोस्तों, आपको यह पता होगा कि अगर आप जो है मैथ में अच्छा जो स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई जो आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि आप दो अंकों का मल्टीप्लाई जो है फास्ट से फास्ट जो है कैसे कर सकते हैं। बट इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा कि आप जो तीन अंकों का मल्टीप्लाई जो है बहुत ही जो है फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप चैनल पर नए तो हमारे यूट्यूब चैनल क्लास नगर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। तो इसके लिए जो आपको अगर तीन अंकों का जो मल्टीप्लाई करना होगा तो इसके लिए आपको पाँच स्टेप जो होंगे उसको जो आप फॉलो करना होगा। तो उसमें पहला स्टेप हो गया, यानी मैं आपको बता देता हूँ। ये दूसरा ये जो पांच स्टेप होंगे, पांच स्टेप में जो है मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। अगर दोस्तों आपसे मैं कहूं कि 151 में जो है मल्टीप्लाई करें 143 का, तो बिल्कुल जो आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि आप पुराने मेथड से अपने से करें तो बिल्कुल जो आप कर सकते हैं। पहले जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसका इनमें करना होगा, फिर इसका इनमें, उसके बाद जो है ऐड करना होगा। तो प्रोसेस जो है बहुत लंबा हो जाता है, बट इसी को जो है ईजी करने के लिए मैं आपको ये जो ट्रिक जो है शेयर करने वाला हूँ, तो बताने वाला हूँ। अगर उसको जो आप सीख गए तो हालांकि सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो सीख जाएंगे। और आप एक बार जो सीख गए तो बहुत ही जल्दी जो है मल्टीप्लाई कितने भी अंक का हो आप बहुत ही जल्दी जो कर सकते हैं। तो इन पांचों स्टेपों को जो तो इन पांचों जो स्टेप हैं इनको जो है मैं आपसे आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जो अगर दोस्तों आप मान के चले, अगर आप जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए बी और सी का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई, यानी कि मैं आप जो है मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप समझने के लिए, तो पहले जो आपको स्टेप पहला स्टेप जो बोलता है वो बोलता है आपका कि पहले जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट के टू ये दोनों अंक हैं इनमें जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो सी और जेड में जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और सेकंड जो स्टेप है वो आपका इन लास्ट के जो उस तरफ के चार अंक हैं, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, इनमें जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्रॉस में। तो पहले आपको जो है मल्टीप्लाई करना होगा बी और जेड में, बी इंटू जेड और प्लस करना होगा आपको बाई और सी में, तो इनको जो है आपको मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद जो आपको छह अंक है छहों में जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्रॉस में, ए का जेड के साथ, एक्स का सी के साथ और बी का वाई के साथ। तो चलिए मैं करता हूँ, ए इंटू जेड फिर आपको प्लस करना होगा एक्स इंटू सी, उसके बाद भी जो आपको प्लस करना होगा वो करना होगा आपको बाई बी और बाई में बी इंटू, चलिए इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो करना होगा बी इंटू बाई। तो इनमें छह में जो आपको मल्टीप्लाई जो कर लिया है, बट उसके बाद जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा वो करना होगा इस तरफ के, यानी दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, तो इनमें भी आपको जो क्रॉस में ऐसे जो मल्टीप्लाई करना होगा तो करना होगा बी इंटू एक्स में जो मल्टीप्लाई करना होगा प्लस करना होगा ए इंटू वाई, इनमें जो मल्टीप्लाई करना होगा। इनमें मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट का जो स्टेप बोलता है वो बोलता है कि आपको इसका इसमें जो मल्टीप्लाई करना होगा ए का जेड, तो ए इंटू एक्स सॉरी एक्स में जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा, आसान जो है हो जाएगा। तो पहले जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पहले स्टेप के अकॉर्डिंग, तो पहला स्टेप जो बोलता है आपको, जैसे सपोज करो ये आपका ए है, ए बी है, ए सी है, और इसको मान लो आप एक्स, इसको मान लो वाई, इसको जेड। तो पहले जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा वो करना होगा आपको सी और जेड में, तो सी और जेड, सी और जेड में जो आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा थ्री, तीन एकम तीन। और उसके बाद ये सेकंड स्टेप आपसे बोलता है कि सेकंड स्टेप आपको मल्टीप्लाई करना होगा बी इंटू जेड में, यानी कि बी इंटू जेड में, यानी क्रॉस जो है मल्टीप्लाई करना होगा। तो पाँच थी पंद्रह, पंद्रह और बाई और सी में जो मल्टीप्लाई करना होगा बाई और सी में, तो पाँच थी पंद्रह, चार एकम चार तो उन्नीस हो जाएगा। तो उन्नीस का नौ आपको लिख लेंगे कैरी बचा आपका एक। उसके बाद थर्ड जो स्टेप बोलता है वो बोलता है आपका कि ए और जेड में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इन तीनों में जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए और जेड में आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये तीन एकम तीन,
उसके बाद आप इसमें और इसमें करेंगे तो एक एकम एक तो तीन और एक चार हो गया। उसके बाद आप बी और वाई में करेंगे तो पाँच चौक बीस, बीस और चार आपका हो जाए चौबीस, चौबीस और एक आपका हासिल का था तो हो गया पच्चीस, पच्चीस का पाँच हासिल का बचा आपका दो। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाँच एकम पाँच और चार एकम चार यानी कि नौ, नौ तो ग्यारह, ग्यारह का हो गया आपका एक हासिल बचा एक। तो उसके बाद जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा कि एक एकम एक, एक एकम एक और एक आपका दो। तो ये जो आपका दोस्तों आंसर जो आ चुका है आप जो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि यार आंसर जो है सही है। तो बिल्कुल आप इस तरह से जो है करेंगे तो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से जो कर सकते हैं। आपको एक कोई एग्जांपल और जो है दे करके बताता हूँ। तो एक एग्जांपल जो है आपका ये रहा इसको भी और जो मैं आपको मल्टीप्लाई करके जो है बताता हूँ तो आप जो है देख सकते हैं। तो पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट के दो अंकों में, तो दो दो पंजे दस, दस का हो गया आपका जीरो आंसर बचा आपका एक, इसमें जो मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद जो आपके लास्ट के दो अंक ऊपर नीचे वाले होते हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो दो एकम दो, दो नी चार हो गया चार और पाँच तो ये पंद्रह, चार और पंद्रह हो गया आपका उन्नीस और एक हुआ आपका कैरी का हासिल का तो हो गया बीस, बीस का जीरो आपका हासिल बचा दो। उसके बाद में आपको छः जो अंक है इनमें जो मल्टीप्लाई करना होगा तो छः दूनी बारह और पचम पच्चीस तो बारह पच्चीस हो गया आपका सैंतीस, सैंतीस तीन दूनी छः तो सैंतीस और छः हो गया तैंतालीस, तैंतालीस और आपका दो हो गया पैंतालीस, पैंतालीस का पाँच कैरी बचा आपका चार। उसके बाद में जो आपको इन दोनों में जो है मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई तो तीन दूनी छः, छत्ती अठारह और पाँच, पाँच दूनी दस तो अठारह, अठारह और दस हो गया आपका अट्ठाईस, अट्ठाईस और चार हो गया बत्तीस का दो आपका हासिल बचा तीन। उसके बाद में आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा छः पंजे तीस और तीन तैंतीस तो तैंतीस का आपका तैंतीस लिखा है। तो दोस्तों आप जो है फाइंड कर सकते हैं किसका आंसर जो है बहुत ही कम समय में आ चुका है। बट दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो है इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप जो समझ गए होंगे कि कैसे जो है बहुत से फास्ट तरीके से जो आंसर कैसे जो है निकाला जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जो है जरूर बताएं। तो दोस्तों ये रही वीडियो और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।